नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे श्री सीमेंट के बारे में। देखा दोस्तों, आज के दिन इस स्टॉक में 8.5% की तेजी थी। वहां पे जहां पे सारी निफ्टी मतलब जो है कि स्ट्रगल किया, पूरा डे के हिसाब से देखा तो पूरा दिन जो है कि स्ट्रगल किया, प्रीवियस क्लोजिंग के जो है गैप अप डाउन में ही ओपन हुआ, वहीं पर रह गया। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो श्री सीमेंट में आज के दिन जो है कि 8.5% के ऊपर जो है कि तेजी में था। में महंगा स्टॉक होता है, लेकिन दोस्तों कुछ रिटेल इन्वेस्टर नए होंगे तो हम उनसे बताना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में अगर कोई भी तेजी आती है, कोई भी गिरावट आती है तो क्या है कि वो रिटेल इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है। ऐसे में कुछ क्या है, हो सकता है कि DIs या FIs किसी स्टॉक में जो है कि बाइंग या सेलिंग करते हैं, तभी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आज के दिन इस स्टॉक में तेजी क्यों थी तो उसके पीछे का रीजन ढूंढेंगे, और अभी इस स्टॉक में बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके पीछे भी रीजन ढूंढेंगे। चलिए हम फटाफट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। की बात करते जो है कि गैप अप डाउन ही ओपन हुआ, ऐसे में देखा जाए तो पूरा दिन जो है कि प्रीवियस के नीचे ही रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट में भी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आज के दिन कुछ लोग सोच रहे होंगे श्री सीमेंट इतना तेजी से क्यों भागे, जो कि 8.5% कंपनी जो है कि भागी हुई है। तो हम आपसे बता देते हैं आज के दिन जो है कि पूरा सीमेंट सेक्टर ही जो कि तेजी में था। आप यहाँ पे देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट की बात करें जो कि यहाँ पे 3% के आसपास जो है कि तेजी में है। ऐसे में देखा जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर 4.5% की तेजी में है। यहाँ पे आप देखेंगे श्री सीमेंट की बात कर 8.5% की तेजी में। श्री सीमेंट में आप देख सकते हैं दोस्तों 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में जो है कि वही आज के ही दिन की तेजी है, इसके पहले जो है कि कंपनी डाउन ट्रेंड में था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक महीने की बात करें तो कंपनी ने जो है कि 10% 11% का रिटर्न बना के दिया। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में जो है कि 3-4% है। मतलब दोस्तों इसके पहले जो है कंपनी स्ट्रगल ही कर रही थी, आज भी जो है कंपनी स्ट्रगल ही कर रही है। इनके एक साल के चार्ट को देखेंगे तो एक साल में जो है कंपनी 25% के आसपास जो है कि डाउन है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी ने वही 25% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। ऐसे में दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं यहाँ इनके चार्ट देखेंगे तो हाई वॉलेटाइल है, इसी तरह इनके चार्ट में जो है कि गिरावट रहती है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में जो है कि 97.91% का रिटर्न बना के दिया है। वॉलेटाइल के मामले में थोड़ी सी कंपनी जो है कि ज़्यादा ACC सीमेंट को भी देखेंगे तो आज के दिन जो है कि 3% के आसपास जो है कि तेजी में था, 3% के ऊपर ही मतलब तेजी में था। ऐसे में दोस्तों डालबिया भारत जो है कि छोटा सा कंपनी, वो भी जो है कि तेजी में था। यहाँ पे JK सीमेंट देखेंगे तो भी 4.5% के आसपास जो है कि तेजी में था। यहाँ पे आप देख सकते हैं रामको सीमेंट भी जो है कि तेजी में ही था। नूको की बात करें तो वो भी जो है कि तेजी में ही था। फास्ट वे में ओवरव्यू ले लेते हैं, हो सकता है कुछ लोग नए होंगे। सबसे पहले बताना चाहते हैं कि कंपनी करती क्या है। जैसा कि आपको पता ही, कंपनी जो है कि सीमेंट सेक्टर में बिलोंग करती है, लेकिन हाँ क्या है दोस्तों, तीसरे नंबर की कंपनी आती है जो कि लो कॉस्ट सीमेंट बनाती है। तो ऐसे में दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं 82,700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 22,900 के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है, 31,470 कंपनी का हाई है, 17,800 कंपनी का लो भी है, जो कि हमने यहाँ पे दोस्तों 17,000-18,000 के आसपास जो है कि वीडियो बना के आपको प्रोवाइड किया था। 41 का जो है कि PE है। बुक वैल्यू की बात करें तो 4839 का। डिविडेंड कंपनी कुछ भी पे करती, मतलब क्या है कि न के बराबर पे करती है। और उसी की बात करें 16-17 के आसपास है। ROE की बात करें 14 का है। 10 का कंपनी का फेस वैल्यू है। देख सकते हैं कंपनी का जो कंपटीटर है, कंपटीटर में सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट देखा जाए दोस्तों क्या है, थोड़ा सा एक कास्टली है। अंबुजा सीमेंट ये भी थोड़ा सा क्या है, देखिए सीमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जहाँ पे मुश्किल से मतलब कि 10-20 रुपए का ही आपको किसी भी सीमेंट में जो है कि फ़र्क उतार चढ़ाव दिखता मिलेगा। मतलब ऐसे में तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो जो है कि सीमेंट, श्री सीमेंट ही आता है। दोस्तों देखा जाए तो श्री सीमेंट गलत नहीं है। क्या है कि जिस समय सरकार क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रही है, तो ऐसे में सीमेंट की तो ज़रूरत दोस्तों आपको पता ही है कि हर सेक्टर में पड़ने ही वाली है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों बेसिस पे जो है कि जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि कंपनी डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस जो है कि डाउन है। ऐसे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कंपनी डाउन है। ऐसे नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा क्या है कि खर्चे बहुत सारे, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, अदर इनकम, तमाम ऐसे जो है खर्चे, टैक्स रिलेटेड जो है कि बहुत सारे ऐसे खर्चे इंक्लूड हो जाते हैं, जिसके कारण जो है कि नेट प्रॉफिट थोड़े से कंपनी के जो है कि बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के PNL की बात करें तो इनके सेल्स की बात करें दोस्तों हर बार से ज़्यादा ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी ठीक ठाक है। मतलब क्या दोस्तों देखा जाए तो 3 साल से जो है कंपनी कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है। ऐसे में बताना चाहते दोस्तों देखिए इन्फ्लेशन के कारण थोड़ा सा हो सकता है, और कंपटीशन मेन चीज़ दोस्तों क्या है, इनके सेक्टर की बात करें तो इनके सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं इस बार जो है TTM की बात करें तो 2,000 करोड़ के आसपास है, इसके पहले जो है कि 2300, जो कि 2300 पहले नहीं आया था। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि थोड़ा सा क्या है कि इतना कुछ खास नहीं है। लॉन्ग टाइम के लिए देखा है 10-12% निकल के आता है, 3 साल की बात करें 6%, TTM की बात करें तो 7%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें जैसा कि हमने देख लिया थोड़ा सा क्या है कंपनी डाउन है। ऐसे में लॉन्ग टाइम की बात करें तो लॉन्ग टाइम में कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट की बात करें तो वही 20% के आसपास कंपनी जो है लॉन्ग टाइम में रिटर्न बना के दे। लेकिन हाँ 5 साल वाले और 3 साल वाले दोनों इस समय परेशान है।
एक साल वाले कुछ ज़्यादा इस स्टॉक से जो है कि परेशान है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वही 14-15 के आसपास जैसा कि हमने देख लिया। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व जो है ग्रोइंग वन में, डेट की बात करें डेट जो है कि कम करते चले जा रहे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो है कि प्रमोटर का स्टेक जो है कि सेम ही है। एफआईएस की बात करते हैं, एफआईएस जो है कि कई क्वार्टर से माल जो है कि सेल करते ही जा रहे हैं। डीआईएस की बात करते हैं, डीआईएस जो है कि कई क्वार्टर से माल को एक्यूमुलेट ही कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों बीच में एक न्यूज़ भी आई थी कि इनको जो है कि निफ्टी 50 से बाहर निकाला जाएगा। दोस्तों आपसे बताना चाहते, देखिए कोई भी न्यूज़ हो कभी भी क्या है, ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक नहीं आई है। तो ऐसे में बताना चाहते दोस्तों, देखिए क्या है कि इसमें आप पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो पब्लिक इसमें जो है कि ज़्यादा है, मतलब पब्लिक जो है कि बढ़ते चले जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों बता दें, जिनके पास भी आप चाहे तो होल्ड करके चल, तो अपने को इस स्टॉक में करना क्या है तो बता दें। देखिए जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि आज के दिन इसमें जो है कि अच्छी खासी तेजी थी। बता दें दोस्तों, देखिए अगर सरकार से गवर्नमेंट से अनाउंसमेंट कुछ भी आती है, रिलेटेड न्यूज़ आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कोई भी न्यूज़ आती है, तो ऐसे में इन सब स्टॉक में जो है कि अच्छी खासी तेजी रहेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए किसी भी स्टॉक में अच्छी खासी कभी तेजी है तो कभी जो है कि कंसोलिडेशन में रहेगा, कभी जो है कि गिरावट में भी रहेगा। तो अगर मान लीजिए नेक्स्ट डे अगर इसमें थोड़ी सी गिरावट होती है तो आपको जो है कि पैनिक नहीं होना है। ऐसे थोड़ा सा क्या है, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपसे बता देते हैं स्टॉक जो है कि अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड, आप चाहे तो थोड़ा सा क्वांटिटी जो है कि ऐड करके चल सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या है कि थोड़ा कास्टली स्टॉक है और थोड़ी सी अगर गिरावट के लिए आप रेडी हैं, मतलब क्या है कि 20,900 के आसपास मेरे पॉइंट से अगर आप देख सकते हैं तो आप चाहे तो एक्युमुलेट करके चल सकते। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।